नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इलेक्ट्रिकल क्लब में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक पर जल्दी कोई बात नहीं करने वाला है, इस वजह से इस टॉपिक को मैं लेकर आया हूँ। पॉलिटेक्निक में कितना खर्चा आता है, किस प्रकार से आपको करना चाहिए और कौन सा कॉलेज आपको चुनना चाहिए, सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे गर्ल्स की। यदि किसी भी कॉलेज से वो पॉलिटेक्निक करती हैं, सरकारी हो या प्राइवेट हो या फिर किसी भी ब्रांच से करती हैं, तो उनकी फ़ीस नहीं है यहाँ पर, सरकार ने रद्द कर दिया है। लड़कियों के जो एजुकेशन है वहाँ पर पॉलिटेक्निक पर एकदम फ्री कर दिया है। आपके जो फ़ीस है वो आपको एडमिशन के टाइम देना होगा, कुछ एडमिशन फ़ीस जो लगती है, इसके बाद आप लोगों को एग्ज़ाम फ़ीस और प्रैक्टिकल फ़ीस यह देना होगा। इसके अलावा किसी भी और प्रकार का आप लोगों को फीस नहीं देनी है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हम कॉलेज की, कि आप लोगों को कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करना है। यदि आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज सिलेक्ट करना है तो आप लोगों को एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसका टॉपिक बाद में हम लोगों को क्लियर कर देते हैं। यदि आप लोगों को गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज चुनना है तो आप लोग को कौन सा कॉलेज चुनना होगा, किस में ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, किस में कितनी फ़ीस होगी और इसके अलावा किस में एजुकेशन अच्छी होगी, ये सारे कुछ पहले क्लियर कर देते हैं। तो यदि आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आप लोगों को एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यदि आप लोगों को हाल ही में पॉलिटेक्निक करना है किसी भी ब्रांच से, तो उसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो डेट है वो भी हाल ही में बढ़ा दी गई है, तो आप लोग दे सकते हैं। और इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ एंट्रेंस एग्ज़ाम पर, पूरी वीडियो कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे देना होता है और कैसे आप लोगों को कॉलेज मिलेगा, तो वो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। यदि आप लोगों का किसी प्रकार से एंट्रेंस एग्ज़ाम छूट जाता है तो आप लोग इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। अब बात कर लेंगे फ़ीस की। फ़ीस जो है लगभग, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में कर रहे हैं तो लगभग 10 से 15 हज़ार पर ईयर लगेगी आप लोगों को। 3 साल का पॉलिटेक्निक होता है आप लोगों का, और यदि आप लोग लेटरल एंट्री से करेंगे तो आप लोगों का 2 साल का होगा, फर्स्ट ईयर का आपका नहीं होगा, सेकंड ईयर में डायरेक्ट आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। लेकिन आपके जो बेसिक सब्जेक्ट रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इनका आप लोगों को एग्ज़ाम देना होगा लेटरल एंट्री के लिए। अब बात कर लेंगे किस में एजुकेशन अच्छी होगी। तो अगर बात करें एजुकेशन की, तो आप लोगों का जो प्राइवेट कॉलेज होता है उसमें एजुकेशन अच्छी होती है, और आप लोगों के गवर्नमेंट कॉलेज में एजुकेशन कम अच्छी होती है। अभी हाल ही में आप लोग देखते आ रहे होंगे बचपन से सरकारी स्कूल की कैसी हालत रही है, तो उसमें आपके जो पढ़ाई है वो काफ़ी कम होती है। और उसके बाद अगर प्राइवेट कॉलेज में प्रैक्टिकल वगैरह भी अच्छे से कराया जाता है और एजुकेशन भी वहाँ पर ठीक ठाक मिलती है। और प्राइवेट कॉलेज की जो फ़ीस होती है वो 35 से लेकर 40 हज़ार होती है पर ईयर। इसके अलावा यदि आप लोग इतनी फ़ीस पे नहीं कर सकते हैं तो SKV बेस में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। SKV बेस में क्या होता है, आपका स्कॉलरशिप बेस होता है, उसके आधार पर यदि आप एडमिशन लेते हैं तो सभी कॉलेज का अपना अपना अलग होता है किस प्रकार से लेते हैं। तो कोई कॉलेज में आपका 10 हज़ार में ले लेंगे, 10 हज़ार में आपका एडमिशन प्लस जो आपकी स्कॉलरशिप आएगी वो कॉलेज वाले ले लेंगे। ऐसा ही हर कॉलेज में अपना अपना होता है कि किसी में 15 लेते हैं, किसी में 20, और स्कॉलरशिप जो होती है वो वही रख लेते हैं। तो ये सारी बात आप लोग एडमिशन के टाइम पहले ही लिखवा लीजिएगा, क्योंकि कई स्टूडेंट का ऐसा हो जाता है कि यदि स्कॉलरशिप आ जाती है तो वो रख लेते हैं, और यदि नहीं आती है तो वो बाद में फ़ीस बढ़ा देते हैं। यदि आपके शुरू में बात हुई है 10 हज़ार की, तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई और उनको केवल 10 हज़ार मिले पूरे साल के, प्राइवेट कॉलेज की बात बता रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को फिर 10 से 20 कर देंगे, 25 कर देंगे, ऐसे ही। तो ये सब अपने जब आप एडमिशन कराने जाएं तो ये सब बातें लिख लें, क्योंकि ये हाल ही में मेरे साथ कई सारे दोस्तों को इस चीज़ का सामना करना पड़ा है। तो कभी भी आप एडमिशन लेने जाएं तो ये सारी बातें टेक्निकल चीज़ों में ज़रूर नोट करके रख लें, क्योंकि बाद में आप लोगों को काफ़ी रोना पड़ेगा। और यदि आप लोग स्कॉलरशिप बेस में एडमिशन नहीं लेते हैं तो काफ़ी बेनिफिट रहेगा, आप लोग फुल फीस में आप लोग एडमिशन लीजिए। फुल फीस में क्या होता है, आप लोग जितनी भी वहाँ कॉलेज की फ़ीस होती है वो आप पे करिए, और जो स्कॉलरशिप होती है वो 100% आती है, लगभग 20 हज़ार से लेकर आपकी 35 हज़ार, 30 हज़ार ऐसे आती है, इसके बीच ही में आपकी 100% आती है। लेकिन अभी हाल ही में क्या चल रहा है, अभी हाल ही में ये चल रहा है कि स्कॉलरशिप जो फ़ंड है वो खाली हो चुका है, तो अभी UP बोर्ड वालों के लिए ये कैंसिल कर दिया गया है। और जो निम्न श्रेणी के हैं, जैसे SC ST कैंडिडेट होते हैं, उनकी आएगी, वो भी हाफ स्कॉलरशिप आएगी। यदि पहले 5 हज़ार आती थी तो अब 2,500 आएगी, ऐसे ही आप लोग में भी, BT बोर्ड में भी यही होने वाला है।
तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आपके लिए जानना है वो ये है कि आपके जो पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम होते हैं वो एक साल में 2 बार होते हैं सेमेस्टर वाइज, 3 साल में आपके 6 बार एग्ज़ाम होंगे और हर एग्ज़ाम में 6 एग्ज़ाम होंगे और प्रत्येक एग्ज़ाम में आपके 600 से 800 रुपये बोर्ड फीस होती है। तो यदि आप लोग पूरा यहाँ पर एक चार्ट हम आप लोगों को बना के दिखा दे रहे हैं स्क्रीन पर, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पूरा चार्ट क्या गवर्नमेंट में और प्राइवेट में कितनी कितनी फ़ीस लगती है। यहाँ पर पहले प्राइवेट की देख लीजिएगा और गवर्नमेंट की आप लोगों को बता दे रहे हैं कि गवर्नमेंट में क्या है, 10 से 15 हज़ार आप लोगों के गवर्नमेंट कॉलेज में देना होगा। इसके अलावा वहाँ की बोर्ड फीस भी काफ़ी कम रहती है और प्रैक्टिकल फ़ीस वगैरह भी काफ़ी कम रहती है, लेकिन फ़ीस का जो सिलसिला है वो यहाँ पर भी नहीं थमता है। अब आप लोगों को जो हर साल होने वाली फ्रेशर और एनुअल पार्टीज़ होती हैं, फेयरवेल पार्टीज़, इसमें भी आप लोगों को पैसा देना पड़ता है, लगभग 600 से 700 रुपये पर ईयर आप लोगों को देना पड़ता है इसमें। तो इसमें काफ़ी लंबा आप लोगों का बजट बन जाता है प्राइवेट कॉलेज में, और गवर्नमेंट कॉलेज में तो काफ़ी उसका हाफ रहता है। इसलिए आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के गवर्नमेंट कॉलेज ज़रूर ज्वाइन करें, और जो एजुकेशन है वो आप लोग यूट्यूब से या फिर सेल्फ़ स्टडी कीजिएगा, क्योंकि सरकारी कॉलेज में ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती है। और यदि आप लोग प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो शुरू में ही आप लोग लिखवा लीजिएगा कि हम इतनी फ़ीस देंगे, स्कॉलरशिप या वगैरह वगैरह, जैसा भी आप लोगों का सिस्टम बन जाए, जितने ही कम में आपका हो जाए उतना ही है, सही है, क्योंकि आपसे फ़ीस जो है वहाँ पर काफ़ी बढ़ा के बताएंगे। तो आप लोग यदि कम भी देना चाहें तो मान जाते हैं, और जितने भी माने उस पर आप लोग वहीं पर लिख लीजिएगा और उनसे साइन करा लीजिएगा, ताकि आपके पास एक प्रूफ के तौर पर हो, क्योंकि मेरे साथ और कई ऐसे स्टूडेंट के साथ हो चुका है और ये कोई भी शेयर करना नहीं चाहता है, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।